देश में कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल और उसके वितरण की तैयारी की ताजा स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि हमें यह जानकारी खुशी है कि दिल्ली के कोरोना संक्रमण के मामले में प्रगति की है। हम दिल्ली सरकार के साथ साथ अन्य सरकारों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में योगदान देने के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं जहां हमें अभी भी चिंता है। हम उत्तराखंड, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार और नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि इस हफ्ते ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत से एक और उम्मीदवार के टीके के लिए क्लिनिकल टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। जेनोवा कंपनी ने भारत सरकार की अनुसंधान एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक वैक्सीन विकसित की है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फाइजर वैक्सीन जैसी ही है। इस समय देश में कुल 6 वैक्सीन क्लिनिकल टेस्ट से गुजर रही है। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन के लिए जमे किसानों में संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार से उन्हें संदेश भेजे गए हैं, लोकतंत्र प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, लेकिन हमें भी कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। गंगाराम अस्पताल में फंगल संक्रमण के कारण आंखों की रोशनी खोने वाले रोगियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक भयावह बीमारी है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यह एक हल्की बीमारी है लेकिन कभी भी गंभीर हो सकती है। ज्ञात रहे कि कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में घातक फंगल इन्फेक्शन मुकोमाइकोसिस का संक्रमण देखा जा रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पिछले करीब 2 सप्ताह में इसके संक्रमण से पीड़ित 15 से 18 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इससे पीड़ित मरीजों आंख की रोशनी खराब हो गई, यहां तक कि नाक और जबड़े खराब हो गए। इसमें से 5 मरीजों की मौत हो गई। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी में मृत्यु दर करीब 50% है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।